यहाँ गुजिया ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ आटा भी सॉफ्ट कर लिया है मैंने अच्छे से, और मैं रोटी बना ले रही हूँ। 8:30 बज गया और सबको खाना खिला देती हूँ। मैंने सोचा था साग और राइस फ्राई कर लूँगी लेकिन समय लग जाएगा, तो मैंने राइस रख दिया। कल राइस बनाऊँगी तो गर्म राइस में उसको मिक्स करके यूज़ कर लूँगी, और साग भी मैंने रख दिया। रोटी के साथ साग अच्छा लगेगा नहीं। दाल गर्म कर दूँगी और सब्ज़ी है, रोटी भुजिया, तो रोटी बना लेती हूँ। चलिए भुजिया बन गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ थोड़ी देर में। 2 मिनट में नमक वगैरह डाल दिया मैंने और इतनी रोटियाँ बन गई हैं, देख सकते हो रोटियाँ बन गई हैं। और रोटी यहाँ चढ़ी हुई है, और यहाँ कुछ है आटा, इतना बनाना है बाकी, और दाल वगैरह गर्म कर दूँगी। अपने पापा का मतलब अपने ससुर जी का मैंने डिनर सर्व कर दिया, आप देख सकते हो। दूध है इधर, दाल है, गरम कर दिया है मैंने, दूध गरम कर दिया है, रोटी है, भुजिया है। मैंने इनको भुजिया कम दिया है क्योंकि पापा सब्जी वगैरह भुजिया वगैरह नहीं खाना पसंद करते, उनको दूध रोटी पसंद है। और आलू बैंगन की भी सब्जी थी ना, तो वो आलू नहीं खाते इसलिए, और बैंगन जो है वो पिघल गया बोल रही हूँ, सॉरी, बैंगन जो है वो गल गया है, तो वो सब्जी भी नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा भुजिया दाल और दूध रोटी दिया है। तो चलिए मैं अपने पापा को डिनर दे देती हूँ, उसके बाद फिर सबका खाना निकालूंगी क्योंकि पहले वो बड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं का खाना निकालती हूँ हमेशा।